गया मैं सफर भाई, ये फ्लैश जले जब दिख रहे, बिन फ्लैश के दिख ही नहीं रहे बंदे। ट्यून्ड है? हाँ। ये स्टेज वन तो है। स्टेज वन में क्या क्या चीज चेंज हुई थी इसमें? यहाँ पर भाई गैस की पाइपलाइन लीक हो चुकी है, तुम्हें आवाज आ रही होगी, देखो अभी आग लग जाएगी यहाँ थोड़ी देर में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आप सभी लोग यार बहुत ज्यादा परेशान हो मुझसे, जैसे कि भाई बहुत बंदे कमेंट करते हैं मेरे दूसरे चैनल पर भी, और मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज भी करते हैं, और इस वाले व्लॉग चैनल पर भी भाई कमेंट वगैरह कर देते हैं कि तरुण भाई यार डेली व्लॉग डाला करो, डेली व्लॉग डाला करो। यार मैं डालने के लिए डाल लूं पर भाई थोड़ा सा ना शेड्यूल ना बिजी हो जाता है। मैं तुम्हें बता दूं क्या होता है मेरे साथ, जैसे मैं भाई बढ़िया मैं रोज का व्लॉग करता रहता हूँ, फिर पता है एकदम से क्या होता है कि भाई एकदम से ऐसा हो जाता है कि जब मैं वीडियो मतलब कि व्लॉग करता रहता हूँ ना, फिर एकदम से ऐसा लगता है कि यार छोड़ चल अब यार, मतलब जैसे किसी अर्जेंट काम में फंस गया और मुझे कहीं जल्दी जाना है, तो भाई फिर मैं छोड़ देता हूँ व्लॉग करना। फिर मुझे ना जहाँ जाना होता है शूट वगैरह के लिए, तो पहले मैं उस पर मतलब दिमाग सारा डाइवर्ट हो जाता है और व्लॉग बनाना भूल जाता हूँ। तो आज का दिन है भाई, आज है 7 तारीख, हाँ 7 तारीख, और नवंबर चल रहा है और कुछ दिन बाद दिवाली है, और भाई साहब सभी को एडवांस में भाई हैप्पी दिवाली। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं भाई जहाँ पर मैं कार के रिव्यूज वगैरह करता हूँ लोकेशन पर, एक भाई अपने पीछे आ रहे डस्टर लेके। अभी भाई शूट पे हम जा ही रहे थे और साथ में साथ अपना दूसरा बूफर भी आ चुका है, भाई दे देना बूफर जरा अपना। तो भाई ये ना वैसे कल आता, क्योंकि कल मैंने इनकी ब्रांच में फ़ोन करा था, ये आता कल, पर भैया ने सही टाइम पर मुझे फ़ोन कर लिया, मैं इधर ही आ रहा था तो रस्ते में ही ले लिया मैंने। चलो ना, तो भाई अगर किसी को वूफर वगैरह चाहिए हो तो आपको मिल जाएगा, इधर ही रख दो, इधर सीट पर रख दो। यूट्यूबर? हाँ जी भाई यूट्यूबर हैं भाई हम, छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, चल रही है जिंदगी, बढ़िया है देखो, ठीक है, छोटे छोटे से बड़े हो गए, ये तो है भाई। चलो ओके, थैंक यू भाई। हमने अपना पार्सल भाई रिसीव कर लिया है और वूफर भाई आ चुका है, ये अपना नहीं है, ये कस्टमर का है, उनको देना है जिन्होंने ऑर्डर लगाए हुए हैं अपने पास। तो और वूफर जो आने वाले वो दिवाली के बाद आएंगे, मेरा भी उसमें आने वाला है, तो और भाई मजा आएगा, आप देखते रहिए व्लॉग। और ये आता तो मेरे घर पर मैंने भाई इधर से रिसीव कर लिया रस्ते में बीच में सी, ये भाई भाई की गाड़ी और अब इसका हम शूट करने वाले हैं यहाँ पर। अब तो है ना भाई, एक ये दिक्कत होती है जो पीछे गाड़ी है, मतलब कुछ ना कुछ आते रहता है, अभी थोड़ी देर से पहले यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा होगा और अब आ रहा है, इससे पहले चल रहा था रोड नहीं चल रहा था ना, अब आ गई ना गाड़ी हमारे लगाते भाई, देखो ये सबूत बैठा है, ठीक है अभी इसका शूट करते है बढ़िया से। ये देखो भाई एक और टेम्पो और आ चुका है सामने, आप देख रहे हो भाई डरा रहा है। तो गाइस यहाँ पर भाई गैस की पाइपलाइन लीक हो चुकी है, तो मैं आवाज आ रही होगी, देखो अभी आग लग जाएगी यहाँ थोड़ी देर में। यार एक तो टेम्पो वाले अभी गाड़ी गई, टेम्पो भी ऐसे करते करते आते रहेंगे, तुम देख रहे हो कितनी अड़चन आती है शूट करने में। देखो भाई फिर दोबारा से एक और गाड़ी आ गई भाई, जब जब मैं इधर शूट करने आता हूँ ना, और लो इससे पीछे भी एक और गाड़ी आ गई, बेकार है भैया मैं तो टूट गया यार, बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है शूट करने में, देख रहे हो तुम भाई ये। अभी मैंने तुम्हें एक गाड़ी दिखाई, फिर टेम्पो दिखाया, अब ये दिखाई, अब देखते रहना यहाँ, अभी उससे पहले कुछ भी नहीं जा रहा था, पूरा रोड खाली पड़ा था। आ जा भाई, लो भाई फिर एक और भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सिस्टम चल रहा है ये, इससे पहले रोड नहीं चल रहा था ये, जब जब मैं शूट करने आता हूँ ना यहाँ, जब जब होता है ये, जब ये गाड़ी अगर कोई भी देखेगा ना सामने से भाई, उसको लगेगी ये डीजल है, तो भाई ने मुझे बताया पेट्रोल है, तो आदित्य भाई ये कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया भाई, एकदम। तो भाई आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं, भाई ने देखो नंबर प्लेट भी अपनी लगा दिया, आदित्य पंडित। हाँ जी। तो भाई ये देख सकते हो भाई AK-47 क्या सीन है, साइड में भी फ्रंट में भी भाई बढ़िया लगती है यार, बहुत बढ़िया लगती है, मेरी बुलेट में भी देखोगे हर जगह यही लग रही है, एक तो बढ़िया तो लगती है, मेन चीज देखो भाई यार ये डस्टर जैसी गाड़ी पेट्रोल में क्या एवरेज देती है भाई, अभी ये स्टेज वन हो रखी है, ट्यून्ड है? हाँ, ये स्टेज वन है। तो स्टेज वन में क्या क्या चीज चेंज कुछ नहीं हुआ, ईसीयू रिमैप्ड, बस ईसीयू रिमैप्ड है, और ये अभी एवरेज भाई दिल्ली में माना तो 6 का दे रही है, मुश्किल से 6 का, 6 से नीचे ही आता है, और अगर हाईवे पे तो आ जाती है 7-8। तो मेरे हिसाब से डीजल जो इसका इंजन होगा वो इससे ज्यादा तेज भक्त होगा। नहीं नहीं भाई, डीजल को ड्रैग में रखा है इसने। हाँ
भाई साहब। गाइस फाइनली भाई शूट कंप्लीट हो चुका है और अब जैसे देख रहे हो गाड़ी इधर साइड में खड़ी है, अब कोई गाड़ी नहीं आई बीच में, जब से भाई इतनी सारी गाड़ी आई जा रही थी बीच में। और वो देखो भाई हेलमेट गिर गया उसका, स्कूटी वाले का। भाई चल दिए अपने घर, हम चल दिए अपने घर और अनलॉक हो जा। तो भाई अनलॉक कर दिया गाड़ी। सो गाइस अब चल दिए अपने घर पर और वहां पर भाई जाके हमें करनी है एडिटिंग वगैरह भी आज, और शाम का प्लान देखते हैं क्या है जिम का आज। A few moments later. So guys, अभी भाई मैं निकल चुका हूँ घर से और मुझे जाना है अब करोल बाग। तो अभी चल रहे हैं बैंक सबसे पहले, क्योंकि बैंक में मुझे ना कुछ काम था थोड़ा बहुत, तो वो काम करते हैं क्योंकि 4 बजे बैंक बंद हो जाएगा, 10 मिनट रह रहे हैं बस। A few moments later. तो गाइस बैंक में अपना काम हो चुका है सारा, अब मैं निकल चुका हूँ करोल बाग के लिए। 4:04 हो चुके हैं, लगभग 5:10 के आसपास तक पहुंचूंगा, 5:10-5:20 के आसपास, अगर मुझे आगे जाम ना मिला तो। देखो करोल बाग पहुंचने वालों में, और यहाँ पर पोल्यूशन आपको अगर विजिबल हो रहा है, धुंधला देखो पेड़ के यहाँ, ये सारा भाई पोल्यूशन ही पोल्यूशन। मैं कह रहा हूँ अगर भाई दिवाली पे अगर बम फूटे ना, मैं कह रहा हूँ अगर दिवाली पे दिल्ली में बम फूटे तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, बहुत बुरा हाल, सांस नहीं ले पाएंगे, ऐसी दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारी समस्या आ जाएगी अगर दिवाली पे बहुत ज्यादा बम फूटे। तो गाइस फाइनली भाई हम आ चुके हैं करोल बाग में और फिलहाल गाड़ी देते हैं इसको अपने, निकालने सामान ठीक है, लगा दे फटाफट से। ओके भाई ये बहुत जल्द बड़ा यूट्यूबर बनने वाला है, नया रुक जा मैकबुक निकाल लूं मैं, सामान निकाल लूं अपना। तो भाई मैकबुक भी निकाल लिया है, अब चलते हैं सीधा डिंपल भैया के पास। हाँ भाई फुल एंजॉय लगा दे। तो अब चल रहे सीधा भाई भैया के पास। सो गाइस आप देख सकते हैं भाई मैं दिन पे दिन चक्कर काटता जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आप समझ सकते हो मेरे दिल पे क्या बीत रही है, तो आप ही बता सकते हो। और ये डिंपल भैया बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मेरे साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है बताओ, गलत हो रहा है। गाइस देखा आपने बालाजी स्टोर पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है, और आ चुके हम शिवा कार सीरीज पर। मन्नू भी है यार प्लीज करवा दो ना यार, आज प्लीज यार करा दो यार। अच्छा अरे यमन जी तुम करा दो यार नहीं लगेगा इसके अंदर स्टीयरिंग, इसके अंदर नहीं यार गाड़ी के अंदर। सफर भाई ये फ्लैश जलाए जब दिख रहे, बिना फ्लैश के दिख ही नहीं रहे बंदे। क्या कर रहे हैं यार तू? तो भाई सिस्टम सुनो सिस्टम, वो कितने भैया पूरा चटक जाएगा ये, देखो ना भाई, ये दो ऊपर लग रहे हैं इसमें, कितने कितने भाई ये? 800 फिनिशिंग देखो ना भाई, ये तो बड़ा भाई वाह। वर्कआउट करूंगा फिर इस व्लॉग को ऐड कर दूंगा।
फाइनली भाई जिम वगैरह कर ली, अब चलते हैं घर। और आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आप सभी ने बोला था कि भाई डेली व्लॉग बनाओ, तो बना दिया है। अब प्यार दिखा दो फटाफट से। यहाँ पर वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।